नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। भाग 68वां प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, वीडियो श्रृंखला का भाग 68। साथियों, अभी तक हम जितने भी भाग लाए हैं यानी 67 तक, हमने 2850 प्रश्न हल किए हैं और आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो 2850 से अगर हम 30 प्लस कर दें, जोड़ दें, तो 2880 प्रश्न हमारे आज पूरे हो जाएंगे। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो यानी पिछले भाग जितने भी हैं वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया सभी का, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी मैं लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिए साथियों से। तो यह वीडियो श्रृंखला शुरू करते हैं साथियों। सबको गुड इवनिंग, जो अभी जुड़ रहे हैं सभी साथी हमारे जुड़ जाएँ, फिर शुरू करते हैं पहला प्रश्न साथियों आज का। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न आज का प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है कौन सा है, बताएं साथियों। जो चार विकल्प हैं जो आपके सामने, ये हरवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, काव्य संग्रह आप लोग जानते होंगे, याद करे होंगे आपने। जिसका प्रकाशन पहले हुआ उसको पहले रखना है, जिसका बाद में उसको बाद में। 2014 में ये प्रश्न आ चुका है साथियों, दिसंबर 2014। जी साथियों, क्या लगता है इसका उत्तर क्या होने वाला है? निशान मंत्र वाला पहले आएगा, मधुशाला पहले आएगा, मधु वाला जो मधु कलश। जी साथियों फरमाइए, बहुत सही साथियों, बी ऑप्शन वाले, ठीक है, बी ऑप्शन जो उत्तर दे रहे हैं बहुत सही। ओके साथियों, तो हमारा पहला प्रश्न आज का उसका उत्तर बी ऑप्शन आएगा साथियों, ठीक है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए 1935 है, मधुबाला का 1936, मधुकलश का 1937 और निशा निमंत्रण का 1938, ठीक है। आसान प्रश्न था ये और इसी क्रम से लिखी है उन्होंने, ये प्रकाशित हुई है बाद में। और एक बात साथियों बता देते हैं कि आज जो हम प्रश्न लाएंगे बीच में से कई श्रृंखलाएं गायब होंगी, मतलब जैसे समझ लीजिए 80 के बाद 81 नहीं होगा, मतलब उदाहरण के रूप में जब 82 नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने वो प्रश्न थोड़े से काटे ताकि आपका लेवल बना रहे, क्योंकि या तो वो प्रश्न ज़्यादा ही आसान थे या उसमें कुछ गलतियाँ थी इसलिए हमने काट दिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते साथियों, अगला प्रश्न है 55वां, दूसरा प्रश्न आज की वीडियो का। हाँ साथी, एक और बात कि 30 ही प्रश्न है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज 2014 में प्रश्न आ चुका है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है, गीति काव्य है, प्रगीत है, नाटक है, चंपू काव्य है, बताएं साथियों क्या उत्तर आपको सही लग रहा है इसका। क्या लगता साथियों, गीति काव्य है, प्रगीत है, नाटक है या चंपू काव्य है, क्या आएगा इसका उत्तर फरमाए। जी साथियों, तो डी ऑप्शन आएगा साथियों, बहुत सही, चंपू काव्य है ये, ठीक है, डी ऑप्शन वाले बहुत सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो सुमेलित करना है साथियों, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं, सामने उनके प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं, पल्लव वीणा गुंजन स्वर किरण। तो सामने जो ईस्वी सन है वो देख लीजिए, 1927 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1926 ईस्वी या 1947, बताएं साथियों क्या होगा। दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है, सुमेलित करें। पल्लव का तो हमने कल ही बताया था, यदि आपने वीडियो वो हमारे ध्यान से देखी हो तो पल्लव का तो पिछले कल ही, जब से पिछले कल मेरे ख्याल से बताया है हमने, ये पल्लव का ईस्वी सन क्या है प्रकाशन वर्ष साथियों। क्या होगा साथियों, जी पल्लव का 1926, वीणा का 1927 याद रखिएगा, गुंजन 1932 और
स्वर किरण 1947, ठीक है साथियों, जे क्रम होने वाला है, याद कर लीजिए। तो हमारा वी क्रम जो दे रहे हैं, जो वी क्रम दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सही है। पल्लव 1926, यानी ए का 4 आ जाएगा, वीणा बी का 1 आ जाएगा 1927, गुंजन सी ये 2 आ जाएगा 1932, और स्वर किरण यानी डी का 5 बताया उन्होंने, स्वर किरण का 1947, ये क्रम जिन्होंने दिया, शाबाश। आगे चलते साथियों, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2014 में आ चुका है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की। तो यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं बताएं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, जय नाम राम नरेश त्रिपाठी, क्या होगा साथियों सही उत्तर, जल्दी बताएं साथियों। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें, यह विडंबना है जीवन की। क्या लगता है साथियों, क्या आएगा इसका उत्तर? जी बहुत सही साथियों, ये ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो उत्तर दे रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, बहुत सही साथियों। और जयशंकर प्रसाद जो है, इनका जो महाकाव्य है साथियों कामयानी, ठीक है, कामयानी महाकाव्य के रहस्य सर्ग में यह है, पूरे 15 सर्ग है ना साथियों, उनमें से एक रहस्य सर्ग है, उसमें से ये पंक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। आगे चलते साथियों, अभी साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आगे पीछे प्रश्न है, कुछ प्रश्न मैंने नहीं लाए हैं, या तो वो बहुत आसान थे, ठीक है, जो हर बार आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, और कुछ प्रश्नों में गलतियाँ थी, इसलिए नहीं लाए साथियों। दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है जे वाला, तो जहाँ पर सुमेलित करना है, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है, रचनाएँ पढ़ लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हाशिए का गवाह, चांद का मुंह टेढ़ा है, स्वप्न भंग, सभी पता होना चाहिए आपको। आगे साथियों दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो कौन से रचनाकार हैं, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय और भारत भूषण अग्रवाल। तो साथियों सही उत्तर बताएं क्या होगा, जी हाँ, कौन सा कूट आप लोग चुन रहे हैं। बहुत सही साथियों, जी साथियों, तो जिन्होंने ये कूट चुना है, यानी जिन्होंने सी चुना है, बहुत सही, सी आ जाएगा साथियों इसका, 4-3-2-1, ठीक है, 4-3-2-1 ये वाला कूट। और आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय की है, और हाशिए का गवाह सभी जानते हैं, कुंवर नारायण की, चांद का मुंह टेढ़ा जी, तो भैया बहुत आसान, मुक्तिबोध और स्वप्न भंग जी प्रभाकर माचवे का है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न साथियों फिर से रचनाएं आ गई हैं, 62वां प्रश्न जून 2015 में आ चुका है, 4 विकल्प हैं, देखिए पहले रचनाएं पढ़ लेते हैं। सूखी डाली, कारवा, बादल की मृत्यु, एक घूंट, बताने हैं ये एकांकी किसकी हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ है रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अशक और विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर प्रसाद। बहुत सही साथियों, बहुत सही, हमारे साथी बता रहे हैं कि बहुत जल्दी उत्तर आ रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है साथियों आपका, वो बहुत शानदार चल रहा है। आप खुद भी पढ़ते हैं, क्लास तो रोज लगती ही है, लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है जब सब कुछ, ये तो कॉमन सी बातें हैं साथियों, सबको मालूम है सूखी डाली किसका है, और कारवा, बादल की मृत्यु और एक घूंट, ये एकांकी है सभी साथियों। सूखी डाली क्या बता रहे हैं साथियों, बहुत सही, सी ऑप्शन, वेरी गुड साथियों, 3-5-1-2 ये क्रम बता रहे हैं जो साथी हमारे, बहुत सही साथियों। सूखी डाली ये उपेंद्र नाथ अशक की एकांकी, कारवा ये भुवनेश्वर प्रसाद का,
ठीक है। और बादल की मृत्यु सभी जानते हैं, बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा की है एकांकी, कुछ विद्वान इसे हिंदी की पहली एकांकी का श्रेय भी देते हैं, और एक घूंट, कुछ विद्वान एक घूंट को हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। तो साथियों बिल्कुल एक घूंट जो है वो जयशंकर प्रसाद की। तो तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प जो बता रहे हैं बहुत सही साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न साथियों, ध्यान से देखिए जून 2015 में जो प्रश्न आ चुका है, भीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो बताएं साथियों उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, प्रेम पथिक कानन कुसुम प्रेम पथिक झरना कानन कुसुम लहर ए बी सी डी, इस प्रकार से क्रम है साथियों। उत्तर बताएं क्या हो सकता है, बीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अलंकार के रूप में भी बहुत ज़्यादा ये पंक्ति ली जाती है उदाहरण के रूप में अलंकारों के। जी क्या है साथी उत्तर इसका, पूरी कविता लाएंगे एक दिन आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है ये रूपक अलंकार से भरपूर। क्या लगता है साथियों क्या उत्तर आएगा इसका? बहुत सही साथियों। तो 63वां ये कविता जो है साथियों वो लहर है, ठीक है, लहर कविता से ये पंक्तियां। आगे चलते हैं, आगे साथियों जो भी क्रम आया है जो देखिए धनिक, यह जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से साथियों जो पंत की रचनाएं हैं इसको स्थापित करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। दिसंबर 2015 में ये आया था ये प्रश्न, ठीक है। तो बताइए कौन सा क्रम आपको सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। जुगांत आएगा पहले सबसे, या लोकायतन आएगा, या सत्यकाम आएगा, या जुगांत आएगा, बताएं साथियों। और जब भी हम इन रचनाओं को पढ़ते हैं याद करते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि किसकी कविता पहले, कौन से काव्य संग्रह पहले, क्योंकि याद करेंगे नहीं तो आएगा कैसे साथियों। कोई भी परीक्षा हो ऐसे ही पास नहीं हो जाती है, वो जितने भी रचनाकार हैं कम से कम उनकी रचनाएं तो पढ़ी, यदि उन रचनाओं को नहीं पढ़ सकते कम से कम उनके नाम तो याद रखें। क्या आएगा साथियों बताएं क्या उत्तर आएगा इसका? जी हाँ ए बी सी डी जी। तो साथियों डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा जुगांत स्वर जे वाला है, जुगांत स्वर्णधुली, स्वर्णधुली का भी बताया, जुगांत का भी था अभी ऑप्शन में, लोकायतन और सत्यकाम, ठीक है साथियों। तो डी ऑप्शन बहुत सही, डी वाले शाबाश। और अभी हाल ही में ही बताया है कि जुगांत जो है साथियों 1936 में, ठीक है, 1936 में आया था ये काव्य संग्रह जुगांत, मतलब शायावाद का अंत था इसमें, ठीक है। और प्रगतिवादी रचना है ये, पहली प्रगतिवादी रचना पंत की। और स्वर्णधुली, ये स्वर्णधुली आई थी साथियों आपको बता देते हैं कि ये अरिवंद दर्शन से प्रभावित रचना है, और स्वर्णधुली 1947 में आई थी उनकी, ठीक है। और लोकायतन, लोकायतन साथियों ये नव मानवतावादी रचना है उनकी, और यह 1964 में आई थी, ये कल भी बताया था पिछले वीडियोस में। आगे साथियों सत्यकाम, सत्यकाम यह रचना उनकी है 1975 में आई, ठीक है, लोकायतन के बाद। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद वेदी का कथन कौन सा है, महावीर प्रसाद वेदी का कथन कौन सा है? तो ए बी सी डी, इनमें से कौन सा कथन है साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी का? पहला है भाषा संसार का नादमय चित्र है और ध्वनिमय स्वरूप है। बी मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है। सी कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। डी अर्थ सौरस्य का कविता, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो बताएं साथियों कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है, कौन सा कथन जहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? क्या लगता है साथियों? भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है ये वाला, या फिर मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की मुक्ति होती है,
जसी कवितव की आत्मा, कवितव को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, जडी अर्थ स्वर से ही कविता का प्राण है। तो साथियों डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे साथियों हमारे पास जो प्रश्न है वो काव्य पंक्तियां हैं और उनके सामने दिए गए हैं रचनाकार। तो कौन सी काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है यह सुमेलित करना है। पहली पंक्ति, कर्म का भोग भोग का कर्म, जही जड़ है चेतन आनंद, किसकी है? होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ये समझ गए होंगे आप लोग। आगे, मौन भी अव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। डी ऑप्शन, परम अव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो सामने जो रचनाकार है वो है निराला, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, धूमिल और अज्ञेय। काव्य पंक्तियाँ सुमेलित करनी है, कूट आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रहा कूट साथियों, हाँ अभी सेट हो गया स्क्रीन पर, थोड़ा छोटा हो जाता लेकिन करें क्या, नेट दिसंबर 2015 में ये प्रश्न आ चुका है, तो कष्ट करें, बताएं हमें यह किसकी पंक्ति है। कर्म का भोग भोग का कर्म, जही जड़ का चेतन आनंद, बताएं साथियों यह किसकी है। फिर दूसरी पंक्ति तो आसान है, पता होना चाहिए। तीसरी भी आसान है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में, यदि आपने पिछले पेपर अटैम्प्ट करे हों, लेकिन हमारे चैनल पर ये पंक्ति पहली बार आ रही है, तो बताएंगे भी किस कविता से हैं, ठीक है। ये वाली नॉलेज हम देंगे ज़रूर आपको कि किस कविता से है। जी साथियों, तो साथियों जो पहली पंक्ति है, कर्म का भोग भोग का कर्म, जही जड़ है चेतन आनंद, पहले कूट बता दीजिए। जो लोग कूट बता रहे हैं बी ऑप्शन, बहुत सही, ठीक है, बी वाले बहुत सही साथियों, 3142 बी ऑप्शन सही है। तो पहली पंक्ति देख लेते हैं, कर्म का भोग भोग का कर्म, जही जड़ का चेतन आनंद, जय जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, और जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य है कामयानी, कामयानी का श्रद्धा सर्ग जो है, ठीक है, उसमें से ये पंक्ति है, कर्म का भोग भोग का कर्म। आगे जो दूसरी पंक्ति है साथियों, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। जब पंक्तियां आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। और बी का जो कवि है, यानी बी अंक पर जो रचना है, जो काव्य पंक्ति है, वो किसने लिखी, वो निराला की है, राम की शक्ति पूजा में से, होगी जे, ठीक है, राम की शक्ति पूजा की पंक्ति है, निराला ने लिखी राम की शक्ति पूजा। आगे साथियों, मौन भी अव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो साथियों जैसे कूट बताया गया है, बिल्कुल साथियों यह जो पंक्ति है वह ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर साथियों गलती यह हो गई है कि जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन में आना था ये, लेकिन बी ऑप्शन में कहीं भी ऑप्शन 5 नहीं लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये क्रम गलत है, लेकिन सी वाला ठीक है। तो यहाँ पर 5 आना है, ओके, ये कई बार गलत भी दे देते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर जरूर ऑब्जेक्शन हुआ होगा इस प्रश्न पर, ठीक है। तो मौन भी अव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना साथियों? अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की काव्य पंक्ति है। मौन भी अव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, तो बी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है, लेकिन जो धूमिल की नहीं है, ये अज्ञेय की पंक्तियाँ, और कविता का नाम क्या है जिसमें से ये पंक्ति ली गई है, मौन भी अव्यंजना है, तो कविता का जो नाम है साथियों वो है जितना तुम्हारा सच है। क्या है साथियों? जितना तुम्हारा सच है, यह कविता का नाम है। आगे साथियों जो अंतिम पंक्ति है ये बिल्कुल सही है साथियों, कूट बताया हुआ है जो, ठीक है, यह मुक्तिबोध की ही पंक्ति है। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह, तो ये मुक्तिबोध की ही पंक्ति है। और ये किस कविता से है? उनके अंधेरे में कविता जो है, एक लंबी कविता है, और उसमें से ये ली गई है यहाँ पर। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? सुमेलित, सुमेलित वाला तो है नहीं ये, जल्दी से बताएं साथियों, सीधा उत्तर है कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है, कौन सा लेखक है, सॉरी कौन सा कवि बोल रहा हूँ, ये कौन सा लेखक आएगा यहाँ पर, ठीक है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ज़्यादा कवि है नहीं भारतेंदु युग में, ठीक है, लेकिन जितने हैं साथियों वो आपने ज़रूर याद कर लेने, 7-8 जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन आप द्विवेदी युग का जरूर पढ़ लीजिएगा कि द्विवेदी मंडल के, द्विवेदी युग, द्विवेदी मंडल के बाहर के और स्वच्छंतावध के, उसके ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं, अवश्य देखिए, अपलोड भी हो चुका है, मिल जाएगा आप हमारे चैनल पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो जो डी ऑप्शन बता रहे हैं साथियों, ठीक है, यानी 68वें का डी ऑप्शन, बहुत सही साथियों, ठीक है, 68वें का डी ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, जहाँ भी काव्य पंक्तियाँ आ गई, या काव्य पंक्तियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं साथियों, जरा ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति है प्राधीन रहकर अपना सुख शोक ना रह कह सका, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, ठीक है। बी धरती हिलकर नींद बगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। सी आज ये तो बहुत प्रसिद्ध है, पहली पंक्ति भी प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन में सी वाली भी बहुत प्रसिद्ध है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, और डी पंक्ति, डी ऑप्शन वाली, बेझे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी, ब्रज गावनी मैं पावन जवे लगी। सभी आसान है, तो सामने जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो बताएं साथियों क्या आएगा, सुमेलित करें जल्दी से, नेट जुलाई 2016 में जब प्रश्न आ चुका है, क्या आएगा, पहले ये पंक्तियां देख लीजिए फिर कोड देख लीजिए, अभी सेट रहेगा जी हाँ, बताएं प्राधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पराधीन क्या होता है, गुलाम, किसी के अधीन रहकर कोई भी अपना जो शोक है या सुख है वो बतला ही नहीं सकता है, तो यह तो अपमान है पशु के समान, पशु कैसे रहते हैं अपने मालिक के अधीन, वो कुछ नहीं कहते हैं ना, तो बस ऐसी स्थिति होती है जो लोग गुलाम होते हैं, ठीक है, गुलामों के लिए लिखी गई है, भारत भी गुलाम ही था जब लिखी गई है जब पंक्तियाँ। तो साथियों जो कोट आएगा जो ए बता रहे हैं, ठीक है, ए ऑप्शन वाले बहुत सही, तो अभी हम कोट हम बता देते हैं क्या है जे इसका, तो जो पहली पंक्ति साथियों पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, ठीक है, ए ऑप्शन वाले 4-1-5-2 बताने वाले बहुत सही, और यह काव्य पंक्ति जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक, कविता का नाम पथिक, पथिक है ना उनका काव्य संग्रह, तो कविता है उसमें एक पथिक नाम से, उसी से ये पंक्तियां हैं। अगला जो देखिए साथियों, धरती हिलकर नींद बगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, धैव और कुछ लाग लगा दे, तो यह साथियों साकेत, साकेत की पंक्तियां हैं, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। आगे साथियों, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, सभी जानते हैं कि ये आरंभिक पंक्तियां हैं प्रिय प्रभास की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध आ जाएगा, ठीक है, पांचवा यानी सी का 5 और डी का 2 आ जाएगा, ठीक है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी, व्रज गावनी मैं पावन जवे लागी, जे जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं उद्धव शतक से, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी आसान कहूँगा मैं, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, फिर से पढ़ते हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर मुझको, माफ करिए, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल धाम।
तो बताएं साथियों, ये काव्य पंक्तियाँ कामयानी के किस सर्ग से हैं? वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। किसकी? जय शंकर प्रसाद की हैं, कामयानी महाकाव्य में। लेकिन किस सर्ग में है यह प्रश्न है साथियों, बताएं। जी साथियों, ये आएगा सी ऑप्शन, श्रद्धा सर्ग से है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत या विष्णुप्रिया। फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की ऐसी कौन सी रचना है जो नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत या विष्णुप्रिया, बताएं साथियों। नायिका प्रधान जो नहीं है, जी साथियों, नायिका प्रधान यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। जी साथियों, इसका उत्तर आएगा पंचवटी। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं, ठीक है। यशोधरा भी नायिका प्रधान है, साकेत का नवम सर्ग ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरी कथा से साकेत का नवम सर्ग ही लिया जाता है, मतलब वही पढ़ा जाता है बार बार। तो नायिका प्रधान कहाँ गए हैं यहाँ पर, हालांकि राम कथा उसमें, लेकिन विष्णुप्रिया जिसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के ऊपर जो लिखा गया है। साथियों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये भी आसान कहूँगा मैं, ये हम पर मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृतियों का सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार स्थापन करना है। तो बताएं साथियों, नेट जुलाई 2016 में प्रश्न आ चुका है, क्या होगा सही क्रम? यशोधरा आएगा पहले, पंचवटी आएगा बी ऑप्शन में या सी ऑप्शन में द्वापर आएगा या डी में साकेत आएगा पहले। जल्दी से प्रयत्न करें इस प्रश्न को हल करने का। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है साथियों? जी ए बी सी डी, जी हाँ, तो साथियों बी ऑप्शन वाले बहुत सही, बहुत सही साथियों, बहुत बहुत सही जा रहे हो। पंचवटी, पंचवटी लिखा गया 1925 में और साकेत लिखा गया 1931 में, जैसे कि आप जानते ही हैं। और यशोधरा लिखा गया है साथियों 1933 में, ठीक है। और जो द्वापर है वो लिखा गया 1936 में, ठीक है। तो आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। तो साथियों यहाँ पर सुमेलित करना है रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से। एक पहले भी प्रश्न है इस तरह का, लेकिन उसी तरह का ये अगला प्रश्न है। तो बताएं साथियों, कुक्कुरमता, हुंकार, वग्नदूत और प्रेम संगीत, ये किसकी काव्य कृति है? ये तो पता ही होगा आपको। और बताएं साथियों, जो सामने जो सुमेलित करना है 1933, 1932, 1936, 1939 या 1937 साथियों, बताएं। नेट जुलाई 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। कुक्कुरमता कब प्रकाशित हुई, हुंकार कब प्रकाशित हुई, वग्नदूत कब प्रकाशित हुई, प्रेम संगीत कब प्रकाशित हुई? कुक्कुरमता, हुंकार, वग्नदूत और प्रेम संगीत साथियों, बताएं क्या लगता है किसकी है ये रचनाएं? ये तो पता ही होगा आपको। जी साथियों बताएं जल्दी से। जी साथियों, कुक्कुरमता का तो हाल ही में बताया था पिछले दिनों ही। बहुत सही साथियों, बहुत सही। और जो कूट बता रहे हैं डी, बहुत सही। 2415 जिन्होंने बताया है, बहुत सही जा रहे हैं साथियों, 2415 वाले, ठीक है। कुक्कुरमता सभी जानते हैं कि कुक्कुरमता जो है 1942 में आई थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। हुंकार, और हुंकार का साथियों 1939, ठीक है। वग्नदूत, वग्नदूत जो अज्ञेय की है 1933 में पहला काव्य संग्रह है उनका, और प्रेम संगीत 1937 में, ठीक है। बहुत सही साथियों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ये,
यह पंक्ति साथियों अभी हाल ही में पूछी है मैंने, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो यही प्रश्न के रूप में आ गया, देख लीजिए। सबको पता है कि ये अज्ञेय की पंक्ति है, लेकिन अभी गहराई वाला प्रश्न आ गया इसी से संबंधित। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है बताएं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये कविता का नाम जो है जितना तुम्हारा सच है, ठीक है, इसमें मौन को बताया गया है कि मौन भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, मौन भी एक एक्सप्रेशन है। चाहे कोई बोल नहीं रहा है, चुप बैठा है, लेकिन वो उससे भी हम कुछ समझा सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो यह जो कविता है जितना तुम्हारा सच है, ठीक है, जिसमें मौन की अभिव्यंजना के बारे में बताया गया, तो ये किस काव्य कृति में है रचना, ये है बताने के प्रयत्न यही हो रहा है यहाँ पर। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, बी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सी आंगन के पार द्वार, जड़ी हरी घास पर क्षणभर। कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? जी साथियों, कहीं कहीं माना जाता है कि कविता का नाम मौन है, लेकिन कविता का नाम है जितना तुम्हारा सच है, बताएं साथियों। जी साथियों बताएं क्या आएगा उत्तर इसका, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन विकल्प आपको सही लग रहा है यहाँ पर? बहुत सही साथियों, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ठीक है, ए ऑप्शन वाले सही आएंगे। आगे साथियों देखिए ध्यान से, ये काव्य हैं, काव्य कृतियां हैं, काव्य संग्रह है। अभी सुमेलित करना है इनके रचनाकारों के साथ। मुक्ति प्रसंग किसका है? खुशबू के शिलालेख, अनुभव के प्रकाश में चांद और रेणुका। सामने रचनाकार हैं लीलाधर जगुड़ी, रामधारी सिंह दिनकर, राजकमल चौधरी, नरेश सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र। ए बी सी डी कौन सा सही है साथी यहाँ, कौन सा कोट? मुक्ति प्रसंग तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ये प्रश्न आया था, उसमें मैंने बताया था ये किसकी रचना है। खुशबू के शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है यह भी। जी साथी बताएं, एक नरेश सक्सेना को छोड़कर और राजकमल को छोड़कर सभी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है यहाँ पर। ये बिल्कुल साथियों मुक्ति प्रसंग, बी ऑप्शन वाले बहुत सही साथियों, 3, 5, 1, 2 जो बता रहे हैं। मुक्ति प्रसंग ये राजकमल चौधरी की हैं, खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र, आगे अनुभव के प्रकाश में चांद ये लीलाधर जगुड़ी की हैं, और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। तो साथियों बी ऑप्शन वाले बहुत सही। आगे चलते हैं, आगे भी काव्य पंक्तियां साथियों देखिए। पहली पंक्ति, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, पता लग गया होगा अगर आपने ये कविता पढ़ रखी, लंबी कविताएं। बी ऑप्शन, परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। आगे ये अभी आई है, हाल ही में आया था ये प्रश्न साथियों, ध्यान से करेगा इस प्रश्न को, ठीक है। ये अभी पंक्ति हाल ही में मैंने बोली, जो प्रश्न 2-4 पहले हुए हैं उसमें ये पंक्ति पूछी गई थी, देख लीजिए। आपका भी टेस्ट साथ में हो रहा है, क्या आपने ध्यान से सुना हमें? सी ऑप्शन है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में स्वतंत्र में नूतन सर्जन में। ये किसकी काव्य पंक्ति है? आगे, मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। बताएं साथियों, मुक्तिबोध दिनकर, शमशेर यानी शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, सामने कूट है साथियों। नेट जनवरी 2017 में ये प्रश्न आ चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है कौन सा कोट आएगा?
जी साथियों, तो जो कूट बता रहे हैं ए 5142, 5142 जो कूट है बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं, 5142 मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही। श्रेय नहीं कुछ मेरा, जे तो सभी को पता, असाध्य विना से जे पंक्ति, ठीक है, अज्ञेय की काव्य पंक्ति है। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ, जे तो अंधेरे में बिल्कुल मुक्ति बोध आएगा साथियों। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्र में, नूतन सृजन में, धर्मवीर भारती की कविता है, ठीक है जी। और जो अंतिम है साथियों, मैं उनका आदेश, माफ करिए, मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, ये जो कर्ण के ऊपर जो लिखा गया है रश्म रथी, ठीक है, वहाँ से काव्य पंक्ति है दिनकर की, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से ये क्रम है, 5142 बहुत सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह है शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और हरिवंश राय बच्चन के बहुत बड़े फैन रहे हैं जी, ठीक है, और उर्दू में लिखा करते थे पहले, लेकिन जब बच्चन सिंह जब माफ़ करिए हरिवंश राय बच्चन से मुलाकात हुई, उसके बाद जो लिखने लगे हिंदी में, और भी बहुत सारे इनके रोल मॉडल रहे हैं ज़िंदगी में। तो बताएं साथियों, पहला ऑप्शन है कुछ कविताएं, दूसरा है कुछ और कविताएं, तीसरा आज सभी आँखों से, या डी डी या डी की जगह बी लिख दिया उन्होंने, चलो कोई नहीं, डी ऑप्शन समझना, वहाँ पर काल तुप से होड़ है मेरी 79वां। बताएं साथियों यह किसका है, जो सभी काव्य संग्रह जो हैं वो शमशेर बहादुर सिंह के, लेकिन यह बताना है कि कौन सा नहीं है उनका। काल तुमसे होड़ है मेरी, यह तो शमशेर बहादुर सिंह का ही है। कुछ और कविताएं, यह भी शमशेर बहादुर सिंह का ही है। कुछ कविताएं, यह भी शमशेर बहादुर सिंह का ही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों, यह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, आज अभी आंखों से, यह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से हैं। पहचान, सांप, हरी घास पर क्षणभर, हवाई अड्डे पर विदा, जनवरी 2017 में जो प्रश्न आया था, और मैं जब एग्जाम देने गया था साथियों, तो मेरा जेरफ निकला था पहली बार। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, पहचान सांप, पहचान कविता से है ये, अज्ञेय की सांप कविता से है, हरी घास पर क्षणभर कविता से है, जो हवाई अड्डे पर विदा। बताएं साथियों ए बी सी डी कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है यहाँ जी साथियों, क्या लगता है? तो साथियों ये आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, हवाई अड्डे पर, ठीक है, हवाई अड्डे पर विदा, हवाई अड्डे पर विदा, ठीक है। जैसे कि लग ही रहा है जो एक जहाज के लिए बोला गया है, ठीक है, तो हवाई अड्डे पर विदा, ये हवाई जहाज को बोला गया, और ये सांप नहीं आएगा साथियों। यही होता है प्रश्नों में, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुचि योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। बताएं साथियों यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सुमित्रानंदन पंत की काव्य पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, क्या होगा साथियों सही उत्तर? जी हाँ, फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार, किसकी काव्य पंक्ति है ये? मैंने शुरू में बोला था प्रश्न आगे पीछे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कुछ प्रश्न नहीं रखे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा आसान थे, या फिर कह सकते हैं कि वो द्वारा आ रहे थे, मतलब रिपीट हो रहे थे, और कुछ गलतियां भी थी उनमें से।
बिल्कुल साथी, ज्योत्सना कविता से, ज्योत्सना जो है वो सुमित्रानंदन पंत की कविता है, बिल्कुल उसी में से ये अवतरित की गई। ये ऑप्शन वाले, ए ऑप्शन वाले बहुत सही साथियों। अगला प्रश्न फिर से कूट वाला आ गया, देखिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को साथियों और सुमेलित करें। मधुलिका, प्रभात फेरी, प्रणभंग, काठमांडू की पहली सांझ, ये काव्य किसके हैं? सामने विकल्प हैं शिव मंगल सिंह सुमन, सियाराम शरण गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, जराम धारी सिंह देनकर। माफ़ करिए जी साथियों, बताएं क्या आएगा उत्तर। मधुरिका किसकी है, प्रभात फेरी किसकी है, प्रणभंग काठमांडू की पहली सांझ क्या आएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। जी हाँ साथियों, ये मधुलिका इनकी है, ठीक है, इनकी काव्य कृति है, बिल्कुल ए ऑप्शन वाले जो बता रहे हैं 3, 4, 5, 1, ठीक है। प्रभात फेरी ये नरेंद्र शर्मा की है काव्य रचना, प्रणभंग ये रामधारी सिंह दिनकर, और काठमांडू की पहली साझ ये आ जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, ठीक है साथियों। तो ये क्रम जो बता रहे हैं बहुत सही ए ऑप्शन वाले। आगे चलते हैं साथियों। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम बताना है, कौन सी पहले आएगी साथियों बताएंगे, गीतिका, अणिमा, आराधना या अर्चना, क्या लगता है साथियों आपको, बताएं जल्दी कौन सी पहले आने वाली है, जल्दी बताएं साथियों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जी साथियों क्या उत्तर होगा, जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा साथियों। इसका प्रश्न आसान है, निराला को तो पता ही होना चाहिए, जो रचनाएं हैं बहुत चुनिंदा काव्य संग्रह इन्होंने रचे हैं हालांकि, और वह सब हमें पता होना चाहिए जी साथियों। कौन सा विकल्प आएगा, जी हाँ तो साथियों ए विकल्प जो बता रहे हैं बहुत सही, ठीक है, ए विकल्प वाले, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना, इस प्रकार से ये क्रम आना है। गीतिका उनका 1936 में आया था, ठीक है, और जो आगे है अणिमा 1943 में, ठीक है, और उसके आगे है साथियों अर्चना 1950, और उसके उपरांत है आराधना 1953, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। तो बताएं साथियों क्या, कौन सी किसकी पंक्तियां हैं, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं, बताएं साथियों। कहाँ हो ए प्यार, माफ करें, कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, क्या लगता है। क्या लगता है साथियों, बहुत सही सी ऑप्शन आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा साथियों। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काव्य है दशरथ विलाप, ठीक है, दशरथ विलाप यानी दशरथ की व्यथा है, इसमें वियोग है, पुत्र वियोग है, ओके, तो दशरथ विलाप में ये पंक्ति है। आगे साथियों देखिए ध्यान से, एक तरफ रचनाकार है दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, तो सुमेलित करना है, जल्दी करिएगा।
सियाराम शरण गुप्त ने कौन सी लिखी? बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमार चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। दूसरी तरफ है मोरे विजय, राखी की चुनौती, राष्ट्रीय तरंग, विप्लव गायन, सतरंग पंखे, सतरंगी पंखों वाली। सुमेलित करें। जी साथियों, कौन सा विकल्प आएगा आपके अनुसार सही यहाँ पर? जी हाँ, बहुत सही, सी विकल्प जो चुन रहे हैं, 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3, बहुत सही साथियों। सियाराम शरण गुप्त, इनका मौर्य विजय, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका आ जाएगा साथियों। राष्ट्रीय तरंग, ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो बता रहे हैं, 1, 4, 2, 3, बहुत सही। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, ध्यान से करिए यह वाला प्रश्न। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय, किसी प्रियतम से परिचित, किसके प्रेम जिसके प्रेम पत्र आते हैं पर्याय सुख संवाद से निहित। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं बताएं साथियों। प्रिय की सुधी सी जे सरिताएं, हरिओत जी की, राम नरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की या लाला भगवान दीन की, बताएं क्या आएगा साथियों इसका उत्तर। बताएं साथियों किसकी काव्य रचनाएं हैं, ये काव्य पंक्तियां हैं, ये क्या लगता है आपको? नवंबर 2017 में जा चुका है प्रश्न। जी साथियों, ओके साथियों, तो यह राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी की काव्य पंक्तियां हैं ये, और याद कर लीजिएगा, और उनकी कविता है अक्षर अक्षर चूम लिया, ठीक है। तो उसमें से ये ली गई है साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। किस लेखक की हैं ये पंक्तियाँ, किस आलोचक की हैं? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान या रामविलास शर्मा? जी साथियों, क्या आएगा? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। बहुत सही साथियों, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। तो रामचंद्र शुक्ल सही उत्तर है, ठीक है, उसकी पंक्ति हैं, उनकी पंक्तियां हैं जी। अगला प्रश्न साथियों, ध्यान से देखें। अभी आप सोच रहे होंगे ये वाला प्रश्न कैसे आ गया, तो साथियों बीच में से प्रश्न मैंने कुछ काटे हैं क्योंकि वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगला प्रश्न हमारा जो 29 अंक पर है, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो इस प्रकार से, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? अज्ञेय जी का, मुक्तिबोध का, लक्ष्मीकांत वर्मा का या कुंवर नारायण का, बताएं साथियों। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। नवंबर 2017 में यह प्रश्न आ चुका है, तो बिल्कुल साथी जो आएगा उत्तर जाएगा अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय जी का,
अज्ञेय जी की पंक्ति है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है हमारे पास अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, घुसती है लाल लाल मशाल अजब सी, अंतराल विवर के तुम तम में, लाल लाल कहुरा कहुरे में, सामने रक्त लोक सनात पुरुष एक रहस्य में साक्षात। तो उपर्युक्त पंक्तियाँ या काव्य पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? एक स्वप्न कथा मुझे याद आते हैं अंधेरे में या मुझे कदम कदम पर, बताएं साथियों। नवंबर 2017 में प्रश्न आ चुका है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में, सामने रक्त लोक सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तो किस कविता में उनके रक्त लोक सनात पुरुष आया है ये भी पता होना चाहिए यदि आपने वो कविता पढ़ी है। जी हाँ, मुक्तिबोध की काव्य पंक्ति हैं, लेकिन किस काव्य से हैं यह आपने बताना है। जी हाँ, बताएं साथियों। जी बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन आएगा, अंधेरे में जो काव्य है वहाँ से ये काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, बहुत से हमारे 30 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं अभी मूल्यांकन पर। तो बताएं साथियों अंक कितने हुए, और इस प्रकार से हमारे 2880 प्रश्न समाप्त होते हैं, और ये प्रश्नमाला जो है लगातार बनती चली गई है। आगे भी इसी तरह से लाते रहेंगे प्रश्न, जब भी हम नहीं आना होता है, जब बिज़ी होते हैं किसी कार्यवश, तो हम अपना कम्युनिटी हॉल में या कम्युनिटी सेक्शन में हम जाकर मैसेज डाल देते हैं कि आज की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो भ्रमित नहीं होना है, कई बार नहीं हो पाते हम लाइव। बिल्कुल साथियों, तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहना है। अगर आपके आज 25 प्लस हैं या 25 के नज़दीक है प्रश्न, तो बहुत सही, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और मेहनत करनी है साथियों, लगातार कोशिश करें अपने आप को बेहतर करने की, बेहतर बनाने की, क्योंकि एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं हो जाता साथियों। दिन प्रतिदिन कोशिश करनी है, कोई भी परफेक्ट नहीं है आज की लाइफ में, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो छूता रह ही जाता है। तो मिलते हैं साथियों कल। बहुत सही साथियों, 25 तक तो आ रहे हैं किसी के। जी हाँ, तो कल मिलते हैं साथियों, धन्यवाद, सुरक्षित रहें, शुभरात्रि।